गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। इसमें डेली एट 7:30 PM हम एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन काफी आसान था, सिंपल एंगल चेसिंग से हो जाता है एंड ये क्वेश्चन IUQM में 2 मार्क्स के अराउंड के लेवल का बनेगा, राइट। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा ये क्वेश्चन। जिसका नहीं हुआ है, गिव इट अ ट्राई, 5-10 मिनट्स में आपसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन था। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर IUQM क्लियर कर लिया था या आपने इनमो में अपियर हुए थे, आपने इनमो क्लियर कर लिया था, तो इन तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए वी हैव डिफरेंट बैचेस। यू कैन मेल मी योर नेम, योर क्लास, योर कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑन दिस ईमेल ID। एंड इवन इफ आपने NTSC या NSCCS क्लियर किया हुआ है, Stage 1 और Stage 2, यू कैन दोनों में से कोई भी, इवन एक स्टेज भी क्लियर किया हुआ है, देन यू कैन मेल मी ऑन दिस ईमेल ID, राइट। We will enroll you to the respective batch and these batches will be completely free of cost for you, right? अगर आप physics olympiad, chemistry olympiad, astronomy olympiad या KVPY का preparation करना चाहते हैं, then you should fill up this Google form vdnt.in/vosmaths2, right? So let's see the question. ये हमारा question था ना, जिसमें you can see that there is a semicircle ना, जिसका diameter दिया हुआ है and एक छोटा सा circle है जो इसको किसी point पे touch कर रहा है और हमें कोई एक angle x निकालना है। पहली चीज तो आई होप आप सबको ये पता होगा, व्हेनेवर टू सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है, तो जो उनके सेंटर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली टच कर रहा हो या इंटरनली, सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे ऑल आर कोलिनियर। तो प्रैक्टिकली अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो दे विल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेट्स नेम द पॉइंट्स ABCDEF, राइट। तो BED दे आर कोलिनियर, राइट। अब हमें, अच्छा, सेकेंड थिंग, BC इज क्लियरली अ टेंजेंट एट F, तो सेंटर से अगर हम मिलाते हैं तो दिस एंगल इज क्लियरली 90 डिग्री, राइट। ये भी सबको पता है ना। तो लेट्स फाइंड द एंगल्स। हमें एंगल X में इंटरेस्टेड थे, वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल X। तो इफ लेट्स अज्यूम दिस इज एंगल थीटा, राइट। तो क्लियरली दिस इज एंगल X, दिस इज एक्सटीरियर एंगल which should be equals to interior opposite, so this should be equal to theta plus x, right? And हमें एक चीज और पता है कि अगर कोई भी tangent है वो किसी भी कोण के साथ, अगर let's say theta angle बना रहा है, तो circumference पे भी वो same angle subtend करते हैं theta। And हमें पता है कोई भी कोण अगर circumference पे जितना भी angle subtend करती है तो उसका double is subtended at the center, है ना। तो I can say if this angle is theta plus x, तो ये इसका twice होना चाहिए। That means angle FED should be 2 theta plus 2x, right? अच्छा, can I say BA and BD, they are radius, BA और BD radius है, तो ये वाला angle भी theta हो जाएगा, because BAD will be an isosceles triangle, ये theta, clearly this is exterior angle, BAD triangle में exterior angle है, तो this should be theta plus theta, है ना, तो theta plus theta will be 2 theta. क्लियर। अच्छा, नाउ अगेन कैन आई से FED इज एक्सटीरियर एंगल, कौन से ट्राइंगल के लिए? ये BEF ट्राइंगल के लिए, BFE ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, दैट मींस 2 थीटा प्लस 2x, दैट शुड बी इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट, दैट शुड बी इक्वल टू 2 थीटा प्लस 90, राइट। क्लियरली 2 थीटा इज गेटिंग कैंसल्ड विद 2 थीटा एंड दिस इंप्लाइज x इज आवर 45 डिग्री, तो x हमारा 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकालना था, दिस इज क्लियरली x, ये x आ जाएगा। अब यहाँ पे काफी बच्चों में छोटा सा एक मे बी डाउट आ रहा होगा कि क्या यूनिक फिगर बनेगा, मतलब थीटा तो हम कुछ भी रख सकते हैं, देखो यूनिक फिगर नहीं बनेगा, बट दिस एंगल विल बी कॉन्स्टेंट, ये एंगल हमेशा 45 डिग्री रहेगा फॉर ईच एंड एवरी सच सर्कल। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से दिस इज अ न्यू सर्कल, देखो ड्राइंग बेकार है, ठीक है, मान लेना कि दिस इज अ सर्कल और इसका सेंटर कहीं यहाँ पर अब चेंज हो गया। नाउ द क्वेश्चन एंटायरली चेंजेस, है ना, ये वाला पॉइंट अब हमसे बेसिकली ये वाला एंगल पूछा गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, दिस एंगल इज आस्क, बट हाँ ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही रहेगा। तो है ना, इसमें काफी बच्चे क्या कर सकते थे, एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते थे, एक जुगाड़ लगा सकते थे। लेट्स से ये क्वेश्चन पेपर में आता तो हम इस क्वेश्चन को एक जुगाड़ से भी कर सकते थे।
इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिस एंगल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थीटा. इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट तो दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो मैं ये सर्कल कोई भी मान लू, थीटा कोई वैल्यू जो मर्जी मान लू मैं, दिस एंगल शुड रिमेन सेम. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं ना सबसे बड़ा सर्कल मान लेता हूं, मैं मतलब ये वाला सर्कल मान लेता हूं. क्लियर? नहीं तो नाउ आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल मुझे निकालना होगा. क्लियरली ये क्या, ये रेडियस, तो दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है आईयूक्यू में, सिमिलर सा क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. इफ क्वेश्चन इज करेक्ट तो हम उसको जुगाड़ से लगा सकते हैं. If question is correct, तो this should be independent of theta, ना theta की जो मर्जी वैल्यू रखो, actually x remains same. अब मेरे को वो प्रूव थोड़ा ना करना है यार, IUQM के questions में मुझे ये प्रूव नहीं करना है कि whether this x is same or not. हमसे भैया x पूछा गया है, या तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है वो बोनस हो जाएगा अपने आप. इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट देन आंसर हैज टू बी 45 डिग्री. इट शुड बी सेम, इट शुड रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी थीटा, थीटा की हर वैल्यू के लिए इट शुड रिमेन सेम. समझ पा रहे हो? तो दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो हमने बेसिकली सबसे बड़ा मतलब ये थीटा निकाल लिया, थीटा के लिए मान लिया, मतलब हमने सबसे बड़ा सर्कल मान लिया. तो दिस एंगल इज क्लियरली 45 डिग्री, दैट्स इट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जुगाड़ से भी कर सकते थे, राइट? तो वैसे तो देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एंगल चेजिंग का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, है ना. बट यस, देयर इज मतलब एंगल चेजिंग में भी बड़ा ईजी है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट हाँ, अगर जुगाड़ से लगाओगे तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन देखा, अच्छा इसको इंडिपेंडेंट है तो वहां पर ले जाते हैं, सबसे बड़ा कर लेते हैं, तो 45 डिग्री आंसर होगा, खत्म, है ना. ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे एक नए क्वेश्चन के साथ, है ना. वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, एंड ये वाला क्वेश्चन मतलब ऑब्वियसली IUQM में दिस शुड बी ऑफ 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन है ये, राइट. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 7:30 PM विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू with a different geometry exam, right? Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye-bye.